गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम लोग साइंस का एक्सरसाइज 3 का बी को डील करेंगे। आप लोग को पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 3 का ही ए आप लोग को डील करवा चुके थे। अब बच गया बी और सी। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए बच्चों, अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। देखिए, दूसरा में यानी कि बी नंबर में आप लोग का है बच्चों आप लोग का मैच देज यानी कि मैच करने के लिए है। ठीक है, चलिए आप लोग क्या कीजिए बच्चों, अपना अपना क्या कीजिएगा, अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट में है बच्चों, नंबर फर्स्ट में है प्लम। इसका हो जाएगा बच्चों इज ए ट्री, या होता है इज ए ट्री विदाउट ब्रांचेस। ठीक है, आप लोग साफ साफ नोट कीजिएगा। नंबर टू में है बच्चों आप लोग का सर्व में क्या होता है, हैज ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड। इसका जो ब्रांचेस होता है वो जमीन के काफी क्या होता है, नजदीक होता है। नंबर थ्री में बच्चों आप लोग का, नंबर थ्री में है चलिए अगला है बच्चों आप लोग का बनियान में क्या हो जाएगा बच्चों, बनियान में हो जाएगा हैज रूट्स ग्रोविंग फ्रॉम ब्रांचेस। बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा, अगर एक पेज में एक लाइन में नहीं हटे तो दूसरी लाइन में जाएगा, लेकिन लिखिएगा बिल्कुल साफ बच्चों। ठीक है, नंबर फोर में बच्चों आप लोग का हर्ब्स। ठीक है, क्या है हर्ब्स, हर्ब क्या होता है बच्चों, इज ए प्लांट विथ ए सॉफ्ट स्टेम, इज ए प्लांट विथ ए सॉफ्ट स्टीम, SOFT है ये। ठीक है, SOFT, सॉफ्ट स्टीम, सॉफ्ट स्टीम। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव में है आप लोग का बनाना। ठीक है, क्या है बनाना है, बनाना इज ए टॉल हर। ठीक है बच्चों, यही आप लोग का बी में था मैच करने के लिए। ठीक है, प्लम इज ए ट्री विदाउट हर्ब्स। ठीक है, चलिए आप लोग को क्या करना है बच्चों, इसको आप लोग को अपने अपने कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करके बनाकर लाना है। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिख के लाना है, इसको भी बनाना है, क्वेश्चन आंसर को भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, होमवर्क के रूप में, होमवर्क में आप लोग को क्या बना के लाना है, होमवर्क में आप लोग को बना के लाना है बच्चों। पहला आप लोग को व्हाट आर कॉल्ड ट्री, या आप लोग को हम
लिखवाए थे बच्चों, ठीक है। राइट द नेम ऑफ टू ट्रीज। आप लोग को दो ट्री का नाम लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, बस तीन क्वेश्चन देंगे और आप लोग का मैथ जीरो रहेगा वो, ठीक है। आप लोग को क्या क्या करना है, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ ए, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि एक प्लांट के भागों के नाम क्या करना है आप लोग को लिखना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप लोग को डील कर लेना है बच्चों, और मैथ्स को डील कर लेना है। बस इतना ही आज का आप लोग का होमवर्क है, ओके।